लेकिन मैंने एमएलए बनने के लिए कई मंत्रियों को एग्री किया है। वो तो तेरी सूरत पर ही लिखा हुआ है। सूरत से मैं उतना कमीना नहीं हूँ जितना मैं वास्तव में हूँ। मैं आज भी मंत्रियों को लॉन्ड्रिया सप्लाई करता हूँ, कल उठ के मुझे भी मंत्री बनना है। मेरे ख्याल से भास्कर शेट्टी के मामले में तुम्हें जरा ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे संबंध। मुझे सब पता है सर। मैं जानता हूँ भास्कर शेट्टी गिरधर गोपाल का आदमी है और गिरधर गोपाल की पहुंच दिल्ली तक है सर। यह सब जानते हुए भी तुम मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? बात दुश्मनी की नहीं है सर। किसी भ्रष्ट नेता के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या किसी गुंडे की ताकत से डरकर अगर हम अपने फर्ज का गला घोंट दें तो फिर क्या अधिकार रह जाता है हमें ये वर्दी पहनने का सर? मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, मगर एक अकेला पुलिस ऑफिसर एंटायर सिस्टम के ढांचे को नहीं बदल सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार केवल भास्कर शेट्टी और गिरधर गोपाल तक ही सीमित नहीं है। आज इस देश में लाखों गिरधर गोपाल और भास्कर शेट्टी मौजूद है। ये सब कुछ मैं समझता हूँ सर, कि सारे देश की बुराई को खत्म करना सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की बस की बात नहीं है सर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम करप्शन के आगे अपना सर झुका दें। अगर हर एक पुलिस ऑफिसर यही सोचने लगे सर, तो फिर कानून, अदालत और इंसाफ का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मैं तुम्हें भास्कर शेट्टी के खिलाफ कोई कदम उठाने से नहीं रोक रहा हूँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो लोग बहुत खतरनाक आदमी हैं। उनसे उलझने में तुम्हारी जिंदगी को खतरा भी हो सकता है। ये लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे सर? मुझे जान से मार डालेंगे यही ना? लेकिन मौत के डर से मैं अपने विचार नहीं बदल सकता और ना ही अपना कर्तव्य भुला सकता हूँ सर। ये वर्दी जो इस देश और राष्ट्र की रक्षक है सर, उसे मैं किसी बेईमान नेता या किसी गुंडे की घर की रखेल नहीं बनने दूंगा। इस वर्दी को पहनते समय जो शपथ ली थी मैंने सर, जिस दिन मैं अपने आप को वो शपथ निभाने के काबिल नहीं समझूंगा, इस पुलिस फोर्स से इस्तीफा दे दूंगा। मुझे तुम पे गर्व है विक्रांत, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम जैसे ऑफिसर की वजह से आज इस देश में कानून जिंदा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड। और बेटे सुनाओ क्या हाल है? कुछ नहीं मास्टर जी, बस सुबह शाम नौकरी की तलाश में दफ्तरों के चक्कर लगाते रहता हूँ। अरे बेटे राजेश, ये नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़कर तुम छोटा मोटा धंधा क्यों नहीं कर लेते बेटा? मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ मास्टर जी, पर नाना बस इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि मुझे आज नहीं तो कल कोई ना कोई एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अरे बेटा अपने नाना को समझाते क्यों नहीं कि आजकल बड़े अफसर की नौकरी मिलना तो दरकिनार, छोटे मोटे क्लर्क या चपरासी की नौकरी मिलना भी बड़ा मुश्किल है। मैं तो उन्हें समझा समझा के थक गया हूँ मास्टर जी, मगर वो है कि मेरी मानते ही कब है। आप तो जानते, जब हम यहाँ आए थे ना हमारे पास सर छुपाने की जगह थी ना खाने को रोटी, ऐसे में नाना ने हमें सहारा दिया, हालांकि हमारे उनके बीच में ना खून का रिश्ता ना धर्म का। अब आप ही बताइए हम उनका बदला कैसे चुका सकते हैं। बेटा राजेश, बात यह है कि तुम अपनी जगह सही हो और तुम्हारे नाना अपनी जगह सही हैं। बस एक जज्बाती रिश्ता। हाय राजेश। हाय। कैसा है तू? बस ठीक हूँ यार। सब ठीक है? विक्रांत, ये हमारे मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। काफी तारीफ सुनी है आपकी। मास्टर जी ये है विक्रांत। अच्छा। मेरे कॉलेज के जमाने का दोस्त। अच्छा। और इस एरिया का सीनियर ऑफिसर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तुम पुराने दोस्त मिल गए हो, आपस में बातें करो, मैं चलता हूँ। अच्छा मास्टर जी। नमस्ते। और सुना यार, तू तो अपने कॉलेज के दोस्तों को भूल ही गया। हा? लेकिन मैं नहीं भूला, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिलता चलूं। और सुना अपने दिलावर का क्या हाल है? साले का पढ़ाई लिखाई में तो दिल लगता था नहीं, मगर दिल का बहुत अच्छा था। आजकल कर क्या रहा है वो? अब तुझे क्या बताऊं दिलावर का, मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहे, लेकिन ऐसे मुमकिन नहीं, क्योंकि नाना की नजर में मैं एक बुरा इंसान हूँ। ऐसी बात नहीं है दिलावर, तूने जो रास्ता अपनी जिंदगी के लिए चुना है वो उन्हें पसंद नहीं है। भैया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना रास्ता बदल कर हमारे पास आ जाए? ये तू इसलिए बोल रही है क्योंकि तूने वो सब कुछ नहीं देखा है जो मैंने देखा है। तू बहुत छोटी थी जब अम्मी का इंतकाल हुआ था, अब्बा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनका कफन खरीद सके, तब मुझे एहसास हुआ कि ये गरीबी इंसान के लिए कितनी बड़ी लानत है। आज जो कुछ भी मेरे पास है मैंने किसी का गला काट के नहीं कमाया है, बल्कि अपने तकदीर से लड़कर कमाया है। जो उनकी कुर्सी बैठकर मैंने हमेशा इंसाफ किया है। बेटी कौशल्या,
बेटी ये यहाँ क्यों आया था? बाबा, ये मुझे कहता तो खाला अम्मी है, लेकिन मुझे अपनी सगी माँ की तरह प्यार करता है, और ये तो उसकी सगी बहन है, तो वो अपनी माँ और बहन से मिलने नहीं आ सकता। बेटे, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इसका यहाँ आना मुझे कतई पसंद नहीं है। बाबा, दिलावर आज जो कुछ भी है उसका जिम्मेदार वो खुद नहीं है। अगर आप उसको सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, तो उसे प्यार से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कीजिए। बेटे, इस आदमी को सही रास्ते पे लाने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। मुझे नहीं लगता कि आदमी सुधरेगा। विक्रांत ये अच्छी तरह से जानता है कि ये भास्कर आपका आदमी है, उसके बावजूद उसने भास्कर को 24 घंटे की मोहलत दिया है कि वो क्लब बंद कर दे अपना। मुझे खुशी हुई कि वो बहादुर है। उसने मेरा को वार्निंग देकर आपके मुंह पे तमाचा मारा है अन्ना। राजनीति में ये तमाचे झापड़ इसका कोई महत्व नहीं है। मैं आपकी वजह से चुप हूँ भैया, अगर आप इशारा करें तो विक्रांत की लाश का भी पता नहीं चलेगा भैया। शांति शांति अनुज, हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सारा भारत जानता है कि मैं गांधी जी के पद चिन्हों पर चलता हूँ और जनता की करता हूँ, इसीलिए तो मुझे शांति दूत कहते हैं। यदि मैं स्वयं ही खून खराबे पे उतर आऊं तो फिर इस देश का क्या होगा? आप इस बात को इतना लाइटली मत लीजिए गिरधर जी। यदि विक्रांत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। विक्रांत को सबक सिखाना ही पड़ेगा भैया। बड़ा शर्म का बात है, एक मामूली सा इंस्पेक्टर हमारे लिए इतना बड़ा सरदर्द बन गया। क्या ही क्या? सरदर्द का इलाज तो एक मामूली गोली से हो जाता है। विक्रांत के इलाज का एक अंतिम प्रयास मैं करूंगा। यदि अगर उसमें मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई तो विक्रांत तो केवल सरदर्द है, मैं तो कैंसर हूँ, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक बार लग जाए तो जान लिए बिना छोड़ती नहीं। सर सर सर, किसी आदमी ने आपके लिए गिफ्ट पैकेट भेजा है। गिफ्ट पैकेट मेरे लिए? कौन हो सकता है? खोल के देख लीजिए, शायद भेजने वाले ने अपना नाम और पता अंदर रखा हो। यू आर राइट। आपने मेरे को धक्का मार के पुलिस स्टेशन से निकाला, यह बात मैं भूल गया। कल के मेरे थे पुलिस स्टेशन के अंदर लेन देन का बात नहीं करना चाहिए था। अगर कोई दूसरा पुलिस वाला सुन लेता तो लपड़ा हो जाता जी। यह छोटा सा तोहफा जी, धंधे का बात करने के लिए रात को अड्डे पे आ जाना जी, वड़कम। भास्कर शेट्टी ने ये तोहफा मुझ तक पहुंचाने के लिए तुम्हें भी तो कुछ तोहफा दिया होगा ना इंस्पेक्टर? तोहफा? नहीं सर, नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे सर। मैं तो भास्कर शेट्टी को जानता भी नहीं, पहचानता तक नहीं। ये तोहफा तो आपके लिए किसी अजनबी आदमी ने मुझे देकर दिया है सर। अगर ये सच्चाई है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो एक बात याद रखना, कानून किसी भी मुजरिम को माफ नहीं करता, चाहे वो वर्दी वाला ही क्यों ना हो। गुड डे इंस्पेक्टर। हेलो, हाँ लालचंद सेठ, हम तुमको बोला ना फिक्र नहीं करना, एक बार गिरधर अन्ना दिल्ली से आ जाएंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा जी। अब तुम हमको बार बार फोन करके उंगली नहीं करना। क्या नहीं मिल सकता ना रात को? मैं शंकरा भाई के पास कुछ खास काम से जाता है। अब तुम फोन रखना, उंगली नहीं करना मेरे को।